विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी का अलग ही जलवा रहा। पार्टी ने 4 राज्यों में अपनी जबरदस्त जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। हार के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। हार का सारा ठीकरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों पर फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस को हार के बाद कल 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। वहीं सपा के हाथ कुछ नहीं लगा। लगभग दोनों ही पार्टियों को खाली हाथ ही संतोष करना पड़ा आ रहे हैं और ईवीएम और बाकी चीजों को मुद्दा बनाकर अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिस्ट में बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल है, जिन्होंने ईवीएम राग अलापना शुरू कर दिया है। शादी कई गंभीर आरोप। एक इंटरव्यू में प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैलेट पेपर से वोटिंग कराने से मतों में बड़ा अंतर देखा गया। वहीं उनसे पूछा गया कि करारी हार के बाद आपको बीजेपी छोड़ने के फैसले पर अफसोस है। इस बात पर प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है।